राशन की मांग को लेकर गरुड़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला पूर्ति विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि बीपीएल कार्ड धारकों के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिस कारण गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने का दावा कर रही है, वहीं बागेश्वर जिले में गरीबों के राशन कार्ड ही नहीं बन पा रहे हैं। जिन ग्रामीणों के राशन कार्ड बने हैं उनमें भी काफी त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारने के लिए ही बीते कई दिनों से विभाग के चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए राशन वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सर यहाँ दो तीन बार आ गए हैं, कह रहे कभी जन्म प्रमाण लेके आओ, कभी वो जाति लेके आओ। सर हम कितने बार आ गए हैं, अभी तक राशन कार्ड का कुछ नहीं हुआ है। बीपीएल है वो मेरे जेठ लोगों का है, मेरा तो अभी बना नहीं है। ये पुराना कार्ड ही बना रहे हैं, हम पुराना कार्ड बनाने में भी इतने कागज लाओगे कि हम कहाँ जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए। इतने वो बुजुर्गों का जन्म प्रमाण कहाँ से लाएंगे, इतनी परेशानी हो रही है हमको। कितनी बार आ गए हैं, दो तीन बार आ गए हैं। अधिकारी लोग कह रहे हैं कि पूरे कागज लेके आओ, दो तीन बार आ गए, हम परेशान हो गए हैं आते आते। राशन हमको तीन चार महीने हो गए, राशन नहीं मिला है अभी तक। और जो यहाँ आया भी है उनसे कह रहे हैं कि जब तक ऑनलाइन नहीं होगा दो तीन महीने तक राशन नहीं मिलेगा घर। अब जो जिसके पास कृषि नहीं है तो राशन कहाँ से खाएगा वो। बीपीएल कार्ड बनाना था, कितने सालों से कह रही हूँ बीपीएल बना दो, जिसको जरूरत है उसका नहीं बना रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसका बना के रखा है। गाँव में आके देखना चाहिए किसका बीपीएल है, किसका नहीं है, किसको जरूरत है, किसको नहीं है। यही समस्या है मेरी, मेरी समस्या पूरी करना। यही कह रहे हैं आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, बस बनाते बनाते 10 साल तो हो गए, अभी तक बना नहीं। दिक्कत क्या है, मेरा एपीएल कार्ड है, बीपीएल की जरूरत है मुझे। देख सकते हैं घर में आके क्या काम है, क्या नहीं है, कैसा है घर, क्या है करके आराम से घर आके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं गाँव वालों से, डीलर से पूछ सकते हैं। यही समस्या है। सीजीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।